बच्चों, मैं आपकी इंग्लिश टीचर टीना सिंह। आप सभी का मेरे चैनल लर्निंग इंग्लिश पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज के वीडियो के अंतर्गत हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी क्लास 10th की इंग्लिश बुक और उसका लेसन नंबर 10। जी हाँ बच्चों, जिसकी स्टडी हमने ऑलरेडी इससे पहले वाले वीडियो में कर रखी है, हमने स्टोरी को समझ रखा है और आज के वीडियो के अंतर्गत हम इसी स्टोरी का बच्चों क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो चलो बच्चों, हम स्टडी करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन आंसर्स में क्या क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, जो पार्ट सेकंड में दिया गया है। व्हाट चेंज डिड बाबली नोटिस इन द बिहेवियर ऑफ हिज नेफ्यूज एंड सिस्टर इन लॉ। कहने का मतलब है कि बाबली ने कौन कौन से व्यवहार में कौन कौन से परिवर्तन देखे, अपने भतीजों के और अपने भाभियों के व्यवहार में किस प्रकार के परिवर्तन को देखा। बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आता है एग्जाम में। आंसर है बच्चों, बाबली नोटिस द चेंज इन द बिहेवियर ऑफ हिज नेफ्यूज एंड सिस्टर इन लॉ, दैट व्हेन ही केम टू द हाउस द नेफ्यू ऑफ बाबली यूज टू रश टूवर्ड्स हिम हॉलिंग, बट दिस टाइम दे डिड नॉट कम एंड हिज सिस्टर इन लॉ ऑल्सो डिड नॉट रन फ्रॉम द किचन टू रिसीव बाबली। यानी कि आपने देखा होगा, जब हमने पाठ का अध्ययन किया था बच्चों, तब हमने ये चीज़ को जाना था कि उसके जो नेफ्यू थे और उसकी जो भाभियाँ थी, जब बाबली शुरू में आया करता था, जब साथ में रहा करता था, तो नेफ्यू भी उससे बहुत ज़्यादा, जितने भी भतीजे थे उसके, वह भी उससे बहुत प्रेम करते थे और उसके प्रति जो है बार बार लगाव रखते थे। परंतु जब अब बाबली काफ़ी समय का ब्रेक लेने के बाद जब वह अपने गाँव पर पहुँचता है बच्चों, तो वह ये पाता है कि अब उसकी भाभियों में और जो उसके भतीजे हैं उनमें परिवर्तन हो गया, उनके व्यवहार में इस तरह का परिवर्तन हुआ है कि कोई भी जिस प्रकार से जो है चिल्लाते हुए चाचा आए हैं करके दौड़कर वह लोग भतीजे जो हैं बाहर आते थे वो नहीं आए, भाभियां भी कहीं घर से जो अपने किचन में जो काम करती रहती थी वह भी निकलकर बाबली को रिसीव करने के लिए नहीं आई। तो ये सारा व्यवहार में परिवर्तन बाबली पाता है अपने भाभियों के और अपने भतीजों के। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड बाबलीज मदर लीव द प्लेस वेयर द डिवीजन वॉज टेकिंग प्लेस। बाबली की माँ ने उस स्थान को जहाँ पर बंटवारा हो रहा था उसे क्यों छोड़ दिया था। कहने का मतलब है, बाबली की माँ वहाँ पर नहीं थी तो क्यों ऐसा हुआ कि बाबली की माँ शामिल नहीं हुई। तो बाबलीज मदर लीव द प्लेस वेयर द डिवीजन वॉज टेकिंग प्लेस बिकॉज शी डिड नॉट वॉन्ट टू सी द डिवीजन। वेरी सिंपल आंसर है बच्चों, क्योंकि बाबली की माँ ये नहीं देखना चाहती थी कि किस प्रकार से तीनों भाई जो हैं अलग अलग दिशा में अब बढ़ जाएंगे। तीनों की जितनी भी संपत्ति है घर की वो तीन भागों में बंटने वाली थी, ये सब वह नहीं देखना चाहती थी और इसीलिए उस वह जो है बंटवारे में शामिल नहीं हुई। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द सेकंड ब्रदर बिहेव एट द टाइम ऑफ डिवीजन। अब बच्चों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो मंझला भाई था उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन रहा, या उसका व्यवहार डिवीजन यानी कि बंटवारे के समय किस प्रकार से रहता है। हाउ डिड द सेकंड ब्रदर बिहेव, और किस प्रकार से वह जो है व्यवहार करता है डिवीजन के समय। तो हमने ये पाया था कि जो सेकंड नंबर का भाई है यानी कि जो मंझला भाई है, वह अपनी पत्नी यानी कि जो बाबली की सेकंड नंबर की जो भाभी थी उसके कानों में जो है कुछ ना कुछ खुसुर फुसुर करता रहता है और फुसफुसा के बताता रहता है कि इतना हमें मिलने वाला है, इतनी चीज़ों में इतना इतना हिस्सा हमारे जो है पार्ट में, हमारे बंटवारे में आने वाले। तो ये सब जो है वो लोग आपस में कान में खुसुर फुसुर करके फुसफुसा कर वह अपनी पत्नी को बताता रहता है। तो ये व्यवहार रहता है उसका डिवीजन के समय। नंबर 4, हु प्रपोज टू बाय द शेयर ऑफ लैंड गिवन टू बाबली। बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको समझ सकते हैं क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कई बार पूछा गया है कि कौन जो है, किसने प्रस्ताव रखा था, प्रपोज किसने किया था बाबली के हिस्से को खरीदने के लिए। बाबली का जो जमीन का हिस्सा था जो बाबली को दिया गया था उसको खरीदने के लिए किसने प्रस्ताव रखा था। तो हम जानते हैं कि बाबली के सेकंड नंबर के भाई ने, तो बाबली सेकंड ब्रदर, हु के बदले में यदि हम ये तीन शब्द रख दें, बाबली सेकंड ब्रदर, बाकी पूरा आप क्वेश्चन से कॉपी कर सकते हैं। बाबली सेकंड ब्रदर प्रपोज टू बाय द शेयर ऑफ लैंड गिवन टू बाबली, यानी कि दूसरे नंबर का मंझला भाई ही था जिसने जो है प्रस्ताव रखा था बाबली की जमीन के हिस्से को खरीदने के लिए, और 18,000 रुपये की उसने जो है राशि भी रखी थी कि वह इतने 1,000 रुपये में खरीदना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ
हाउ हैज द ऑथर डिस्क्राइब द पेडोफाइल्स। अब यहाँ पे ऑथर बोला गया है कि जो लास्ट में बाबली ने किस प्रकार से हमें समझाया, क्या उसे महसूस हो रहा था, और हाउ हैज द ऑथर डिस्क्राइब द पेडोफाइल्स, उसने पेडोफाइल्स को यहाँ पर किस प्रकार से कहानी के अंतर्गत दर्शाया गया है। ही डिस्क्राइब द पेडोफाइल्स एवरीवेयर इन द पेडोफाइल्स ही कुड फील द इम्प्रिंट्स ऑफ हिज एल्डर ब्रदर्स फीट पाम एंड फिंगर्स। ये हमने पाया था कि जब बाबली अपने भाई के साथ जाता है उन खेतों को देखने, तो वो हर जगह जो है पैडी के फील्ड्स में यानी कि धान के खेतों में अपने भाई के पसीने को, अपने भाई के पैरों की उंगलियों के निशान को, हाथों की उंगलियों के निशान को जो है उस पर जो है उसकी जो है इम्प्रिंट्स यानी कि छाप जो है देखता है, तो हर जगह उसे यही नज़र आता है। तो इस प्रकार का वर्णन जो है पैडी फील्ड्स का किया गया है ऑथर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डिड बाबली गिव द पेपर स्लिप टू हिज एल्डर सिस्टर इन लॉ। यानी कि बाबली ने अपनी बड़ी भाभी को वह जो पेपर का जो टुकड़ा था, स्लिप जो उसने तैयार किया था लिखकर, वो भाभी को क्यों दिया। तो बच्चों उसका आंसर है बाबली गेव द पेपर स्लिप टू हिज एल्डर सिस्टर इन लॉ बिकॉज ही हैड नो करेज, क्योंकि उसके पास करेज यानी कि साहस नहीं था टू मीट हिज एल्डर ब्रदर, अपने बड़े भाई साहब से मिलने का उसके पास साहस नहीं था। ही हैड नो करेज टू मीट हिज एल्डर ब्रदर, अपने बड़े भाई साहब से मिलने का उसके अंदर साहस नहीं था। इस वजह से उसने उस पेपर के टुकड़े को जो उसने खुद से लिखा था उसके अंदर कुछ, वह टुकड़ा जो था स्लिप ऑफ पेपर जो था उसने अपनी बड़ी भाभी के हाथों में पकड़ाया था। जो बी सेक्शन के अंतर्गत जो थोड़े से हमें लेंथी आंसर्स लिखने रहते हैं, 3 से 4 लाइंस के लिखने रहते हैं, तो उसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इन अ बी सेक्शन, उसे जरा देखते हैं। डिस्क्राइब द प्रिपरेशन मेड फॉर डिवीजन इन बाबलीज हाउस। यानी कि जो बाबली के घर में जिस प्रकार से तैयारियां हो रही थी, किस चीज़ की तैयारियां, बंटवारे की तैयारियां, उसका क्या करना है, वर्णन करना है। डिस्क्राइब द प्रिपरेशन मेड फॉर द डिवीजन इन बाबलीज हाउस। सो द आंसर इज, हमें मालूम है कि भाई बहुत सारी तैयारियां हुई थी, हमने दोनों पार्ट में जाना कि किस प्रकार से शुरू से लेके अंत तक तैयारियां ही होती रहती हैं, क्योंकि शुरू में पत्र आता है, पत्र के बाद ही जो है प्रोसेस शुरू हो जाता है, लिस्टिंग बनने लगती है, बाबली भी अपनी पत्नी के साथ योजना बना लेता है। तो यहाँ पे हमें से सिंपल से ये पूछा गया है कि कौन कौन सी तैयारियाँ बाबली के घर पर हो रही थी। तो फॉलोइंग प्रिपरेशंस मेड फॉर डिवीजन इन द बाबलीज हाउस, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो है कई बार पूछा भी गया है। तो हमने ये जाना, इसको हम पॉइंट्स में तैयार कर रहे हैं ताकि हमें जो है बहुत इजीली इसके आंसर तैयार हो जाए। तो बच्चों फॉलोइंग आर द प्रिपरेशंस, ये फॉलोइंग प्रिपरेशन मेड फॉर डिवीजन इन बाबलीज हाउस, बाबली के जो घर पे जो है निम्न प्रकार की जो है तैयारियां बंटवारे को लेकर हो रही थी, जिसमें सबसे पहले 7 और 8 पीपल्स हैड गैदर्ड इन द कोर्ट यार्ड, यानी कि घर के आंगन में 7 से 8 लोग जमा हुए थे। क्यों जमा हुए थे, बंटवारे का सुपरविजन करने के लिए। तो ये हमने लेसन में जाना था। तो 7 से 8 लोग जमा होते हैं, तीनों भाई भी उपस्थित होते हैं। द थ्री ब्रदर्स वर प्रेजेंट, बाबलीज मदर वॉज नॉट देयर, परंतु बाबली की माँ कहीं नहीं रहती, वो कहीं आस पड़ोस में चली जाती, बिकॉज शी डिड नॉट फेस दैट सिचुएशन, क्योंकि वो उस सिचुएशन जो बंटवारे की स्थिति से नहीं गुजरना चाहती थी, इसलिए वे चली जाती है, वो शामिल नहीं होती। ऑल द हाउस होल्ड आर्टिकल्स वर हीव्ड, सारे घर की छोटी सी बड़ी वस्तुओं का ढेर तैयार किया जाता है। ऑल द हाउस होल्ड यानी जितने भी घर के आर्टिकल्स हैं, घर की वस्तुएं, उनका ढेर तैयार किया जाता है। और लॉन्ग लिस्ट ऑफ ऑल द आइटम्स वॉज मेड, और जितनी भी वस्तुएं रहती हैं, जितनी भी वो ढेर में शामिल की जाती हैं, उनकी एक लंबी सूची जो है तैयार की जाती है। इस तरीके से बच्चों ये जो है प्रिपरेशन की जाती है पूरे बंटवारे की। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द सेक्रीफाइस ऑफ बाबलीज एल्डर ब्रदर। यानी कि बाबली के बड़े भाई का जो त्याग हमने इस चैप्टर के माध्यम से जाना कि बाबली के बड़े भाई साहब ने कितना त्याग किया था बाबली के लिए, उसके ऊपर एक शॉर्ट नोट आपको तैयार करना है। तो बच्चों ये नोट हमने जो है इन अ पॉइंट तैयार किया है ताकि ईजिली हमें लर्न हो जाए, हमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना जाए। और अगर हम पॉइंट वाइज इसे तैयार करते हैं तो नो डाउट हमें हर पॉइंट्स बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे और हम बहुत अच्छे से आंसर को लिख पाएंगे। तो बच्चों देखते हैं इसमें क्या है। द सेक्रीफाइस ऑफ बाबलीज एल्डर ब्रदर आर, इस तरह का जो त्याग था वो रहा बाबली के भाई का, ठीक है।
अब यहाँ देखिए, फर्स्ट यहाँ पे दिया है बाबली एल्डर ब्रदर वॉज अ नॉबल मैन, यानी कि हमें मालूम है कि बाबली के जो बड़े भाई साहब थे वो बड़े ही भले प्रकार के व्यक्ति थे, उनमें बहुत ही दयालुता थी, ये हम सब जानते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत त्याग किया। और यही क्वेश्चन इसमें बताना है कि कितने त्याग किए। ही वॉज लाइक अ परफेक्ट जेंटलमैन, वो एक बिल्कुल कहने चाहिए भले मानुष के समान थे, एकदम परफेक्ट जेंटलमैन थे, एक महान पुरुष थे वह। और उसके बाद ही केयर्ड बाबली इज लाइक अ फादर, उन्होंने बाबली की जो चिंता थी एक पिता के समान ही करी, जैसे एक पिता अपने पुत्र की जो है देखरेख करता है, सेम उसी प्रकार से बाबली ने के बड़े भाई साहब ने भी बाबली की वैसे ही चिंता करी, वैसे ही उसकी देखरेख करी। ही मॉर्गेज्ड हिज वॉच, उन्होंने अपनी जो घड़ी यानी कि कौन सी घड़ी, रिस्ट वॉच को उन्होंने क्या किया था, बाबली की पढ़ाई के समय जब फीस देना पड़ रहा था और बाबली को जो है पैसे भिजवाने थे, तो उन्होंने अपनी घड़ी को जो है उसकी स्टडी के चक्कर में मॉर्गेज यानी कि गिरवी रख दिया था। ही प्रिपेयर डिलीशियस फूड फॉर बाबली, और वह जो है बाबली के लिए जो है बहुत ही अच्छा भोजन पकवाया करते थे, वह बाबली की बड़ी भाभी से कहा करते थे कि जितना डिलीशियस हो जाए उतना अच्छा बाबली के लिए जो है स्वादिष्ट भोजन बनाना। तो ही वो सेटिस्फाइड व्हाट ही हैड, और वह उन सभी चीज़ों से संतुष्ट थे जो उनके पास थी, मतलब उन्होंने कभी भी डिमांड नहीं करी अपने छोटे भाई बाबली से जिसकी नौकरी लग चुकी थी, कि उसको अच्छी खासी तनख्वाह मिल रही थी, लेकिन परंतु कभी भी उन्होंने ऐसा डिमांडिंग नहीं किया कि मुझे या किसी चीज़ की और आवश्यकता है बाबली से कि वह ला के दे। तो वो बहुत ही संतोषी प्रकार के, मतलब संतोष रखने वाले थे, उन्होंने कभी किसी चीज़ के लिए जो है बाबली से डिमांड नहीं की, तो सेटिस्फाइड थे वो, जो भी चीज़ उनके पास उपलब्ध थी घर में वह उसी पर संतुष्ट रहे शुरू से अंत तक। ही हेल्प बाबली इन स्टडी, और उन्होंने उनकी पढ़ाई के लिए, बाबली की पढ़ाई के लिए, हमने यहाँ पे एक शॉर्ट पॉइंट बना दिया कि उन्होंने उसकी पढ़ाई के लिए, बाबली की पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा जो है मदद करी थी। किस प्रकार से मदद करी थी, जैसे कि मालूम है ठंडियों के दिनों में रात हो जाया करती थी जब बाबली ट्यूशन जाया करता था, तो ट्यूशन से लौटने के समय वह जो है उसको लेने के लिए जाते थे ताकि वह डर ना जाए कहीं, तो उसके लिए, उसकी रक्षा के लिए वह डेली पहुँच जाते थे, नियम से पहुँच जाते थे, और उसके बैग जो था जिसमें कॉपी किताब भरे रहते थे उनको वह पकड़ लेते थे। तो वो सारी चीज़ें एक पिता के समान उन्होंने करी थी और उनकी पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा मदद करी थी। इस वजह से, इतने त्याग की वजह से ही उसे जो था नौकरी मिली थी और वह जो है बाहर बाहर यानी भुवनेश्वर में जाकर जो है जॉब पर लग गया था। तो ये सारे त्याग थे जो बाबली के बड़े भाई साहब के द्वारा किए गए थे। तो ये बच्चों हम इसे पॉइंट्स में बना सकते हैं, और चाहे तो पैराग्राफ में भी इन्हीं पॉइंट्स की मदद से हम लिख सकते हैं, और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्क्राइब बाबलीज फीलिंग वाइल वॉकिंग इन हिज फील्ड, यानी कि जब बाबली की क्या प्रतिक्रिया थी, क्या उसकी भावनाएं थी जब वह जो है खेतों में चल रहा था, जब बड़े भाई साहब उसे उसकी ज़मीन का जो हिस्सा मिला हुआ था और वह उसे ले जा रहे थे दिखाने के लिए कि ये हिस्सा तुम्हारे हिस्से में आया हुआ है, तो उस समय जब वे जा रहे थे तो क्या प्रतिक्रिया थी खेतों में चलते हुए। तो बाबली वॉज वेरी अनहैप्पी, ये हमें मालूम था कि बाबली अब तक की स्थितियों को देखकर बहुत ज़्यादा उदास हो चुका था, उसे हर जगह अपने बड़े भाई साहब का त्याग दिखाई दे रहा था, उनके जीवन के लिए किए गए संघर्ष को वो देख पा रहा था। तो बाबली वॉज वेरी अनहैप्पी वाइल वॉकिंग इन हिज फील्ड, यानी कि जब वो खेतों पर जा रहे थे तो वो बहुत ही दुखी था। ही वॉज डीपली मूव्ड, वो बहुत मूव्ड यानी कि वह बहुत ज़्यादा गहराई से प्रभावित हुआ था, बहुत ज़्यादा उसे जो है इस चीज़ का जो है एहसास हो रहा था कि बड़े भाई साहब ने मेरे लिए कितना किया। ही कुड सी द हार्ड वर्क ऑफ हिज एल्डर ब्रदर इन द फील्ड, यहाँ तक कि खेतों पर अपने बड़े भाई साहब के द्वारा किए गए कठोर परिश्रम को भी वह देख पा रहा था, उनका जो पसीना था, हिज स्वेट वॉज स्पार्कलिंग, वह चमक रहा था एक मोती के समान पूरे खेतों की वक्ष पर, यानी कि उसकी छाती पर इस समान से चमक रहा था जैसे कि कोई मोती चमकती है। तो इस प्रकार से बाबली जो है बताता है कि वह जो है बहुत ज़्यादा अपसेट हो चुका था इस सिचुएशन में, और यही उसकी आखिरी फीलिंग रहती है जब वह खेतों में जाता रहता है अपने बड़े भाई साहब के साथ। लास्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डेड बाबली पे ट्रिब्यूट टू हिज एल्डर ब्रदर। बच्चों ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको स्टोरी का नाम भी दिखाई दिया जा रहा है, ट्रिब्यूट। तो बाबली ने आखिरी में किस प्रकार से ट्रिब्यूट दिया अपने बड़े भाई साहब को, क्या किया उसने ऐसा जो कहा जा रहा है कि ट्रिब्यूट कैसे दिया। तो हमें मालूम है बच्चों, बाबली है ब्रिटेन
ऑन अ स्लिप एंड ऑन अ स्लिप ऑफ पेपर, यानी कि उसने एक जो टुकड़ा था पेपर का, जो एक स्लिप था उस पे उसने कुछ लिखा. एंड हैंडेड इट टू हिज एल्डर सिस्टर इन लॉ, और उसने वह टुकड़ा जो था, जो पेपर का टुकड़े पर उसने कुछ लिखा था, वह उसने अपनी बड़ी भाभी को पकड़ा दिया. एंड आस्क्ड हर टू गिव इट टू हिज एल्डर ब्रदर, और उनसे कहा कि ये मेरे बड़े भाई साहब को दे देना. इन दैट स्लिप, और उस स्लिप के अंदर ही रोट, उसने लिखा था, ही नीडेड नथिंग एक्सेप्ट हिज एल्डर ब्रदर, यानी कि उसे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है केवल अपने बड़े भाई साहब के अलावा. यानी कि किसी चीज़ की आवश्यकता है तो वो है बड़े भाई साहब, इसके अन्य मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है. इन दिस वे बाबलीज पेड ट्रिब्यूट टू हिज एल्डर ब्रदर, इस प्रकार से बाबली ने अपने बड़े भाई साहब को जो है अपना एक ट्रिब्यूट, यानी कि अपनी एक प्रॉपर्टी को देकर एक प्रकार से एक ट्रिब्यूट जो है, उनको किसी चीज़ को कोई चीज़ सादर रूप से अर्पित करना ही ट्रिब्यूट कहलाता है. तो इस प्रकार से उन्होंने अपने ज़मीन के पूरे हिस्से को, बंटवारे में मिले हुए सारे हिस्से को भाई साहब के नाम कर दिया. और यही उसने सच्ची जो है श्रद्धांजलि दी, यानी कि सच्ची जो चीज़ जो उन्होंने अर्पित करके बताई अपने हिस्से को, तो यही उनका मेन ट्रिब्यूट था. तो इस प्रकार से उन्होंने जो है ट्रिब्यूट अपने बड़े भाई साहब को दिया. तो बच्चों ये इसके लास्ट क्वेश्चन था, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार बन चुका है कि कैसे ट्रिब्यूट दी अपने बड़े भाई साहब को बाबली ने. तो ये सारे आंसर्स को बच्चों हमें तैयार करना है ताकि कभी भी एग्जाम्स में हमसे कुछ भी क्वेश्चंस पूछा जाए. बोर्ड में हमको कई प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं बच्चों, इसलिए सारे क्वेश्चंस को आपको वैसे तो तैयार करना है, परंतु जिन क्वेश्चंस में हमने पॉइंटिंग कर रखा है, इम्पॉर्टेंट मेंशन कर रखा है, उन क्वेश्चंस को बच्चों आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है. तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वाला सेशन जिसमें हमने क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करे हैं वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा. इसी प्रकार से और भी अन्य आपके स्टडी कंटेंट मैं अपने चैनल के माध्यम से, लर्निंग इंग्लिश चैनल के माध्यम से लाती रहूँगी. मैं आपसे उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी मेरे साथ बने रहें, मैं आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल कंटेंट्स आपके लिए जो उपयोगी होंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे कंटेंट आपको यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे. तब तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम किसी अच्छे कंटेंट के साथ हाजिर होंगे. तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू.